जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अक्सर का। फ्रेंड, बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं। BPSC PT जो है पुराने पैटर्न पर ही और 21 को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बदला प्रारूप, एक ही पाली में होगी परीक्षाएं। नए पैटर्न पर हो रहा था विरोध। आपको बता दें कि काफ़ी सारा विरोध हुआ, दो दिन परीक्षा लेने के बाद सामने आई थी और परसेंटाइल के आधार पर जो है रिजल्ट देने की बात कही जा रही थी, जिसमें छात्र जो है अपने पुराने पैटर्न पर अड़े हुए थे और इस तरह पूरे जो है अभ्यर्थियों ने BPSC के एग्ज़ाम को लेकर जमकर आंदोलन किया और जिसका परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री की बैठक हुई अमीर सुबह ने और BPSC के चेयरमैन सभी लोग जो आला अधिकारी बैठक करके और यह निर्णय लिए कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसी हिसाब से होगी। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा अब पूर्व के पैटर्न पर ही होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में मुख्य सचिव अमीर सुबहानी और BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ बैठक की और तय हुआ कि पूर्व जो पैटर्न वगैरह था उसी तरह होगी और 21 सितंबर को पहले की तरह एक ही पाली में परीक्षा निर्णय लिया गया और नए पैटर्न का जो विरोध करते हुए पटना में प्रदर्शन किया गया था छात्रों के द्वारा और यहां तक कि पुलिस बल प्रहार की नौबत आ गई थी परीक्षार्थियों पर और मामले का संज्ञान लेते हुए तय किया गया कि वे मुख्य सचिव के साथ गुरुवार को बैठक करेंगे और जानकारी दी गई कि BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व के पैटर्न के तहत अब यह परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली में ली जाएगी। अतुल प्रसाद ने मुख्यमंत्री की पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारी व क्षेत्रीय पदाधिकारी से उनका विचार विमर्श किया है और इसके बाद यह निर्णय हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह एक ही पाली और एक ही दिन ली जाएगी। BPSC ने नए पैटर्न के तहत प्रारंभिक परीक्षा एक जगह दो दिन लिए जाने का निर्णय लिया था और इस क्रम में यह भी निर्णय हुआ था कि परसेंटाइल से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किए जाएंगे, जो कि परीक्षार्थी इसके पक्ष में नहीं थे और पुरानी परीक्षा का आयोजन की मांग कर रहे थे और 8 मई को लीक हुआ था 67वीं। तो देख सकते हैं किस तरह जो है छात्रों की यूनिटी और संगठन जो है रंग ले आई। कहा जाता है कि एकता में ही बल है, अनेकता में नहीं। पावर ऑफ यूनिटी, आपने देखा छात्रों ने किस तरह अपने जो है मिशन लक्ष्य पर टिके रहे और आखिर उनकी मेहनत रंग ले आई। इसीलिए कहा जाता है यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, एकता में ही बल है। और विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न सारे संगठन अपने अपने यूनिटी के बैनर तले चलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, मिशन में सफल होते हैं। आप सभी को बता दें कि हर चीज़ का जो है यूनिटी संगठन बना हुआ है, चाहे वह कार्यरत हो या कार्यरत नहीं हो, विभिन्न मांगों को लेकर, चाहे बैंक के यूनियंस हो, रेलवे के यूनियंस हो, गवर्नमेंटियल जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके यूनियंस हो, बहुत जगह निजीकरण के भी यूनियन संगठन रहते हैं, कर्मचारी संघ के यूनियन रहते हैं, लेबर श्रमिक संघ के यूनियन रहते हैं, हर जगह सभी की यूनियन रहते हैं और वह यूनियन विभिन्न सारे पोस्ट का क्रिएट करती है और उन्हीं लोगों में चयन कर अपनी विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष, उन कंपनियों के समक्ष उन जगह पर रखती है और वह उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप कार्य करती है, उनकी चीज़ों को जितना हो सके प्रयास करती है बेटर से बेटर देने का, अच्छा से अच्छा उनको रिस्पॉन्स देने का। जैसा कि आपने देखा कि पूर्व के दिनों में जो है हर चीज़ें जो है बिना आंदोलन